नमस्कार, ऐसे अनसुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुजानगढ़ के द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में एक सुंदर शोभा यात्रा, एक जुलूस का आयोजन किया गया है, जो कि जाटों के नोरे से रवाना होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण पहुँचेगी, जहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। Thank you.
दिल की आवाजें बनती वही पेड़ ना
हिस्सा, पूरे विश्व भर में काम है इसका, जग में पूरा नाम है। सदैवों के दिल की आवाजें बनती, स्वामी जी के विचारों को ग्रहण करें और उनके बताए हुए मार्ग के हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से
श्रीमान भवानी शंकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप लोहिया महाविद्यालय में संस्कृत, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने स्थान को त्याग कर इस मंच तक आए और विवेकानंद के बारे में हमें कुछ और बताएं कि ये कौन सा व्यक्तित्व था जिसने भारत में नहीं अपितु पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। मैं निवेदन करूंगा भवानी शंकर जी। सर्वप्रथम आप सबको विवेकानंद जयंती पर शुभकामनाएं। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण एवं एबीवीपी के युवा जो कि मुझे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के रूप में और भगिनी निवेदिता के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में अभी संचालक महोदय ने अच्छे ढंग से बता दिया है। आप लोग जो है उनको बताने की आवश्यकता नहीं कि विवेकानंद ने क्या किया क्या नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय ज्ञान का जो परचम लहराया उसके आधार पर संपूर्ण विश्व में इस देश की ख्याति हुई। इस देश का ज्ञान विज्ञान जो था उसके बारे में लोगों को पता चला। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने जिन उद्देश्यों को लेकर के और यूरोपीय कंट्रीज में अपना जो भ्रमण किया उसका मूल उद्देश्य यही था कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार क्यों हो, क्योंकि बाकी की जो संस्कृतियां थी उनमें संपूर्ण विश्व को जोड़ने की ताकत नहीं थी। भारतीय संस्कृति में वह ताकत है जो सबको जोड़ लेती है। विश्व बंधुत्व की भावना को लिए हुए भारतीय संस्कृति ही अपना उद्घोष करती है। अयम निजः परमेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितारां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा है ये तेरा है, इस प्रकार की बात करने वाला व्यक्ति वह कभी उत्कृष्ट हृदय वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। इस प्रकार की बात करने वाला व्यक्ति केवल और केवल वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला एक व्यक्ति हो सकता है। विवेकानंद ने कहा कि हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां पर सारी पृथ्वी को ही कुटुंब माना जाता है, परिवार माना जाता है। आज विश्व के अंदर कुटुंब भाव की आवश्यकता है। आप देखिए आज विश्व कैसा विश्व हो रहा है। सीरिया देखिए, तुर्की देखिए, आप अफगानिस्तान देखिए, पाकिस्तान देखिए, सर्वत्र ईरान इराक को देखिए, सब जगह पर त्राही त्राही मची हुई है, मानवता का संहार हो रहा है, सब जगह पर हमें हिंसा दिखाई दे रही है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति है जो एक मात्र कहने वाली है कि ये सब के सब संपूर्ण विश्व के जो मानव हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए विवेकानंद ने जो कहा वह वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम की भावना को प्रचारित करने के लिए प्रसारित करने के लिए कहा। वह केवल सुनने के लिए नहीं था, उसको करने के लिए हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो विविध संगठन है उनमें एक एबीवीपी भी है जिसने ये संकल्प ले रखा है कि ज्ञान शील और एकता ये तीनों हमारे सिद्धांत है। ज्ञान की आवश्यकता है लेकिन ज्ञान केवल ज्ञान होने से काम नहीं चलने वाला है। हमें अपने जीवन के अंदर शील को शिष्टाचार को भी अपनाना पड़ेगा। हमारी अलग से पहचान होनी चाहिए, वो पहचान हमें अलग करती है। हम तोड़ फोड़ हिंसा करने वाली राजनीति के पक्षधर नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर शांति चाहते हैं, पूरे विश्व के अंदर शांति चाहते हैं। हम इस देश का विकास चाहते हैं, इस देश को हम पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम इस देश को उस शिखर पर ले जाना चाहते हैं जिस शिखर पर प्राचीन काल में था जब उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। परम वैभवम् नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, ये हमारा सिद्धांत है, हमारा
ध्येय है, इस ध्येय वाक्य की ओर हमें अग्रसर होना पड़ेगा। तो इसके लिए जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप भैया बहन हैं, आप सबका ये दायित्व है कि आप इन सिद्धांतों के ऊपर चलें, जो संसार से हमें अलग करते हैं, जो हिंसा के मार्ग से हमें अलग करते हैं, हम तोड़ फोड़ राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले काम नहीं करने वाले। आज देखते हैं संपूर्ण विश्व देश के अंदर क्या स्थिति हो रही है। हमारे यहाँ पर सीएबी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल था उसको आपने जाना, वो सीए बन गया, विधेयक के रूप में हमारे सामने आया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूप में हमारे संसद के अंदर पारित जो प्रस्ताव लाया गया, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर में 10-12-2019 को वह पारित हुआ, और 12-12-2019 को वह जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा एक संविधान विधेयक से हट करके अधिनियम बन गया भारत का। तो मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम का विरोध करने वाले ये सोचे, आज देश के अंदर वो इसका विरोध कर रहे हैं, बिना जाने ही विरोध कर रहे हैं। वास्तव में एनआरसी और सीएए सीएबी ये क्या है, इनमें क्या फर्क है, ये फर्क जानते ही नहीं है। उनको उस लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तैयार करके और देश के अंदर हिंसा का रूप उनको प्रदान कर दिया है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये कहां की राजनीति है, ये कहां का इस प्रकार का विरोध का ढंग है। हमें आजादी चाहिए, आजादी आपको है, हमें आजादी है, हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम अपनी बात को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जहां भी बैठे शांतिपूर्वक उसका आप मार्च पास्ट करें, चाहे आप बैठ करके धरना दें, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज के अंदर है, हमारे संविधान के द्वारा प्राप्त है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारी बसें चलाएंगे, हमारे वाहन चलाएंगे, हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, हतक होता है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक इस देश के नागरिकों को यह समझाना है, उन्हें ये संदेश देना है कि सीएए क्या है, नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम जो है वह क्या है, वह किसके लिए है। वास्तव इस देश के नागरिकों के लिए थोड़ी है, वो तो ऐसा एक अधिनियम बनाया गया है जिन तीन देशों में उन सब को वहां पर अव्यवस्था कर दी गई है, समाज के अंदर समाज के लोगों को बरगला दिया गया है कि आपको इस देश का नागरिक होने से वंचित किया जाएगा। इसके द्वारा इस प्रकार के जो बातें हैं उनसे हमें दूर रहना है, और ये संदेश समाज के अंदर जाए। आज विवेकानंद जयंती पर हमें यह संकल्प लेना है कि इस भारतीय समाज में सब शांतिपूर्वक रहें, और सीएए का वास्तविक रहस्य क्या है, जो कष्ट पाए हुए जो लोग हैं, जिनको दूसरे देशों से निकाल करके छोड़ दिया गया है, वो भाग करके भारत में आए हैं, यहाँ पर शरण लिया है, आश्रय लिया है, केवल उनको नागरिकता देने का विषय है, और उसमें उसको सरल बनाया गया है। भारत का 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था उसमें थोड़ा संशोधन करके और यह कहा गया है कि जो पहले 11 वर्ष में नागरिकता प्राप्त होती थी उसको 5 वर्ष में नागरिकता प्राप्त हो जाए, हिंदू सिख बौद्ध ईसाई जैन आदि जो है, पारसी आदि जो है, उन सबको। तो मैं अधिक न बोल करके आप सबसे आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, हम सबका दायित्व है कि समाज के अंदर इस प्रकार की हिंसा के द्वारा जो सीएए का विरोध किया जा रहा है वह नहीं होना चाहिए। हमारे जो भी भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सारे ऐसे नहीं है, केवल स्वार्थ के लिए जो जोड़ने वाले हैं उन लोगों को उन्होंने अपने साथ में सम्मिलित करके और बरगला दिया है, और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रीय जो शिक्षण संस्थान है जेएनयू, जहां पर भारत के टुकड़े होंगे, इस प्रकार की बात करने वाले, देश के टुकड़े करने वाले जो ताकते हैं, उनका समर्थन करने वाले जो लोग हैं, उनका उनको ही वहां पर लाभ हो रहा है। ये चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव के मुद्दे से अब ये सब ऐसा काम कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए, बाकी उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सब समर्थन करने वाले अधिनियम बन गया है, तो इसका विरोध अगर करना है तो शांतिपूर्वक करें, उसमें कोई संशोधन करना है तो उसको आप बताएं, लेकिन ये हिंसा करने का मार्ग ठीक नहीं है।
इसके लिए आप सब लोगों को भी घर घर जाकर के जहां भी आप दो पांच लोग मिलते हैं वहां उन सब लोगों को CAA वास्तव में क्या है उसके बारे में आपको बताना है। मैं इसी बात के साथ में आप सबको पुनः विवेकानंद जयंती पर शुभकामनाएं देता हुआ और सभी एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि थोड़े से समय में आप लोगों ने इतनी तैयारी करके और उस प्रकार से विवेकानंद जयंती को मनाया है। धन्यवाद। एक बार थोड़ा जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय भारत माता। जय सुना और विश्व में गूंजे हमारी भारतीय संदेश को लेकर स्वामी विवेकानंद दुनिया में गए। कई बार ऐसे कुछ कम्युनिस्ट है वो ऐसे प्रश्न करते हैं कि ये भारत माता क्या है, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देती। तो मैं एक वाकया सुनाता हूं। जब आजाद फौज की भर्ती चल रही थी उस भर्ती के दौरान सब कुछ न कुछ दे रहे थे और एक माँ है वो कहती है कि मेरे पास देने के लिए कुछ समय नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। तब सुभाष चंद्र बोस उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, बस मेरे पास एक बेटा है। तब वो कहती है कि आप इस बेटे को मेरे को दे दीजिए, फिर मैं आजाद फौज को दुनिया की सबसे सिरमौर सेना बनाऊंगा। और वो सेनापति थे शाहनवाज हुसैन और भरी सभा में उन्होंने कहा आप में से जिन्होंने भारत माता को नहीं देखा है मैं आपके सामने भारत माता का दर्शन करा रहा हूं। जो जिसके पास है मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन जिसके पास जो है बेस्ट ऑफ अवेलेबल वो सारा का सारा दिया है। और वो शाहनवाज हुसैन आजाद फौज को सरदार बनाते हैं, दुनिया में नाम गुंजित करते हैं। स्वामी विवेकानंद दुनिया में गए और जब दुनिया में लोग उनको देखते कि उनका एक वेश है सामान्य सा वेश था जैसा आप देख रहे हैं भगवा चोला पजामा, उस समय वो पैजामा पहनते थे। जैसे गांव में बंदर आता है पब्लिक पीछे होती है ऐसे ही भीड़ चल रही थी। अब भले ही जैसे आज हमारे कार्यक्रम में भीड़ नहीं है लेकिन जो है वो योग्य है। अमेरिका में लोगों को फुर्सत नहीं मिलती वो भी पीछे पीछे हो रहे थे। विवेकानंद ने पीछे मुड़कर देखा कि इतनी भीड़ है, पूछा क्यों, बोले आपका रेस अजीब है थोड़ा। तब उन्होंने कहा योर कंट्री ए टेलर परफेक्ट से मैन, इन माय कंट्री करेक्टर परफेक्ट से मैन। आपके देश में एक दर्जी है, एक नाई है, वो कटिंग हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आपका गेटअप क्या है। लेकिन जिस देश से मैं आया हूं उस देश में चरित्र ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसीलिए जब 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना उसका आदर्श है स्वामी विवेकानंद को चुना। हर छात्र संगठन ने अपना कुछ आधार लिया है। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं हम भगत सिंह के विरोधी हैं। अब जो अधूरा ज्ञान रखते हैं तो सब जानते हैं अधूरा ज्ञान घातक होता है। विवेकानंद के परिवार में रोजाना यज्ञ होता था, उनके दादाजी आर्य समाज में थे। जब कोई आर्य है अपने आप आर्य के नहीं हूं कि मैं पूजा पाठ नहीं करता था, मेरा यज्ञ पर भी संस्कार हुआ है, मैं आर्य हूं। मेरा नास्तिक होने का आधार एक है कि मैं भगवान के सामने जाकर कुछ मांग नहीं सकता कि भिक्षा वृत्ति के खिलाफ, इसलिए मैं नास्तिक हूं। बाकी मेरा सारा सारा संस्कार में है और मेरे संस्कार में जीवन में मैं अपने को ढाल देता हूं। और जो विवेकानंद को आज हम बारे में सोच रहे हैं हमने विवेकानंद को चुना है, विवेकानंद को प्रकृति ने चुना है। दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं, ऐसा कोई देश नहीं जिसके विचार विवेकानंद से ओतप्रोत नहीं हो। हम कभी भी विवेकानंद को पढ़ते देशा नहीं लगता है उन्होंने कभी 1893 में अपना वक्तव्य दिया है, उसको ऐसा लगता है हम आज ही बोल रहे हैं और आज हमारे सामने विवेकानंद है। कभी उनके विचार है ऐसे नहीं लगते, बहुत पुराने हैं उनके विचार, एकदम नित्य नूतन चीज पुरातन है और उनको जो धारण करता है वो कभी हिंसक नहीं हो सकता। लेकिन हम पिछले दिनों जो घटनाएं सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि भवानी के उपासक है वो बिना हथियार रहे, ये ठीक नहीं है। इसलिए शील और चरित्र के साथ एकता नाम की ताकत है वो हमें नित्य काम में लेनी चाहिए।
उसके बिना हम सारे के सारे उस विचार को छोड़ छोड़ते होंगे। कई बार हम सुनते हैं कुछ बात आपकी असली मिलती नहीं हमारी, फिर ध्यान विभिन्न क्षेत्रों से पधारी युवा तरुणाई का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे मध्य भाजपा पूर्व विधायक मंत्री माननीय खेमाराम जी, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे सुजला महाविद्यालय के अध्यक्ष हेतु प्रत्याशी नरेश गुजर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सोना देवी सेविका गर्ल्स कॉलेज अध्यक्ष हिया मनोहर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी की 127वीं जयंती के पावन अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने में जिनका विशेष योगदान रहा, पुलिस प्रशासन, आदर्श विद्या मंदिर समिति एवं एबीवीपी की समस्त टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पिछले 3 वर्षों में विद्यार्थी परिषद के जो कार्यक्रम रहे हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, मैं आप सबके समक्ष पेश करना चाहता हूं। वर्ष 2017 के अंदर जो 45 वर्षों से हमारे कॉलेज की एक समस्या रही है बस स्टैंड की, उसको एबीवीपी के द्वारा पूरा किया गया। सुजला कॉलेज बस स्टैंड व स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड के नाम से तो दो कॉलेज में बस स्टैंड बने हुए हैं, वो विद्यार्थी परिषद की देन है। कॉलेज कैंपस में 8 कैंपस है, उसमें सड़क व्यवस्था विद्यार्थी परिषद के द्वारा की गई है। साइंस कैंपस में एक वाटर कूलर लगाया है, उसकी व्यवस्था विद्यार्थी परिषद के द्वारा की गई है। पिछले वर्ष हमारे महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर छात्राओं की कबड्डी प्रतियोगिता कराई गई थी। हर वर्ष हम नव आगंतुक छात्र छात्राओं के लिए हेल्प डेस्क लगाते हैं। जितने भी 12th पास करके स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में, उनके लिए हेल्प डेस्क लगाई जाती है विद्यार्थी परिषद द्वारा। एक हमारा कार्यक्रम चलता है मिशन साहसी, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वर्ष भी कई महाविद्यालयों विद्यालयों में जाकर छात्राओं को सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के गुर सिखाए थे। और अब की बार भी हमारा ये प्रोग्राम जनवरी लास्ट वीक या फरवरी के अंदर रहने वाला है। अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल पास हुआ है नागरिक संशोधन बिल, सीए के समर्थन में विशाल जन समर्थन मार्च निकाला गया था विद्यार्थी परिषद द्वारा। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2019 से 12 फरवरी 2019 तक युवा मतदाता जागरूक अभियान के तहत भारत गौरव यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें युवाओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही हमारे जो SRT के कार्यक्रम चलते हैं, उसमें पौधारोपण, परिंदे लगाना इत्यादि कार्यक्रम हमारे कॉलेज में हर वर्ष हम करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने किए थे, अब की बार हमने 100 पौधे लगाए। कई संस्थान ऐसे हैं जो कोई कार्यक्रम करते हैं या पौधारोपण करते हैं तो उनकी सिर्फ उनका ये रहता है फोटो सेशन का, उनकी देखभाल करना उनके नहीं रहता। हमने 100 जो मिट्टी के बिल्ली आते हैं सीमेंट के बने हुए, उनकी सुरक्षा के लिए हमने वो 100 बिल्ली महाविद्यालय में लगवाए हैं। सदस्यता की मैं अगर बात करूं तो वर्ष 2017 में हमने 1500 सदस्यता की थी, 2018 में 3000 सदस्यता की गई और वर्ष 2019 में हमने 5000 सदस्यता का लक्ष्य रखा था, जिसमें 4000 सदस्यता हमने पूरी की। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब एक और गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तुम्हारे सीने में ही सही। हो आग कहीं भी मगर ये आग जलनी चाहिए, मगर ये आग जलनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। सभी युवा साथियों, पूर्व कार्यकर्ताओं, छात्राओं
कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक शानदार शोभा यात्रा निकाली गई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रामनिवास बुगाली हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहूँगा क्योंकि युवाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और बधाई एक शानदार सफल आयोजन के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस रैली की परिकल्पना किस तरह से तैयार की गई। आज स्वामी विवेकानंद जी की 157वीं जयंती के अवसर पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक भव्य जो शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया है, मैं सभी आसपास के क्षेत्र की युवा तरुणाई का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो इस शोभा यात्रा में जिन्होंने भाग लिया और कार्यक्रम में सभी युवा तरुणाई को एक संदेश दिया है कि जिस तरह स्वामी जी के विचार थे उन विचारों पर चले तभी छात्र जीवन सफल है, और स्वामी जी के विचारों पर अगर चलेंगे तो जो देश विरोधी जो गतिविधियां है हो रही है अगर उनके विचार पर हम चलेंगे तो वो गतिविधियां भी रुकेगी। और छात्र जीवन में हम सभी के आदर्श है स्वामी जी, हमें उनके विचारों को पढ़ना चाहिए और उनके कई अनुसार रास्ते पर चलना चाहिए। संक्षिप्त में बहुत अच्छे विचार प्रकट किए हैं कि देश विरोधी जो गतिविधियाँ चल रही है उन पर अंकुश लग सकता है अगर आज का युवा स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चले। एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी कि शोभा यात्रा का बहुत अच्छा नगर में स्वागत किया गया था, ये सब कितना अच्छा लगा क्योंकि जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही थी। सभी पूरा जो सुजानगढ़ व्यापार संगठन है और जो हमारे अन्यतर संगठनों से जुड़ रखे हैं विद्यार्थी परिषद के अलावा, उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा। हर जगह आतिशबाजी की व्यवस्था और पुष्प वर्षा की गई और बहुत अच्छा संदेश रहा सभी में। व्यापारी बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, शोभा यात्रा का पूरे नगर में स्वागत सम्मान किया गया, पुष्प वर्षा की गई और बहुत अच्छी बात रामनिवास ने कही कि आज के परिवेश में स्वामी जी के विचारों का बहुत महत्व है और अगर आज का युवा उनके विचारों पर चले तो निश्चित रूप से देश ऊंचाइयों को छू सकता है और जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सकती है। एक विद्यार्थी जीवन में जितने भी आज स्टूडेंट हैं जो कल को अपना करियर बनाने के लिए या भविष्य चुनने के लिए देखेंगे तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्वामी जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, तो उनके कई जो वाक्य हैं कई विचार हैं उन वो हमें बहुत ही मजबूत करते हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि जो उनके विचार है उन पर चले और जो आपको जो भविष्य में बनना है जो भी बनना है उस पर आप पूरी तैयारी करें। बहुत अच्छी बात कही है, उठो जागो और जब तक नहीं रुको जब तक मंजिल नहीं मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी की जो आज का युवा जिसको अमल करके मंजिल को प्राप्त करता है। और रामनिवास ने बहुत अच्छी बात कही कि हम युवाओं के आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमने ये शोभा यात्रा निकाली जिसका नगर में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। ऐसे अन सुधागले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।